तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से अगर आप भी गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स को यूज़ करते हो और उसके अंदर आपको थोड़े से पैसे पड़े हुए हैं तो किस तरह से आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। यही मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पेटीएम के अंदर उस मनी को ले सकते हो या फिर दोस्तों आप उसको बैंक अकाउंट में कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताता हूँ। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ, एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अर्निंग को बढ़ा सकते हो, किस तरह से अगर आपको सर्विस नहीं मिल रहे तो किस तरह से आप पा सकते हो। दोस्तों आज का ये टॉपिक है कि किस तरह से दोस्तों आप यहां पे अपने बैंक अकाउंट के अंदर गूगल ओपिनियन का जो मनी है वो कैसे भेज सकते हो, आप भेज भी सकते हो या फिर नहीं भेज सकते हो, ये भी मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखो गाइस, गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स जो ऐप है ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे जिसको आप गूगल प्ले के द्वारा यूज़ कर सकते हो। अब गूगल प्ले ये है दोस्तों कि गूगल प्ले स्टोर या प्ले स्टोर के अंदर जो भी आप खरीदना चाहो उसको खरीद सकते हो या फिर आप गेम के अंदर आप कुछ खरीदना चाहो या फिर उसके अंदर खरीद सकते हो, ठीक है। लेकिन काफ़ी सारे लोग ये चाहते हैं कि वो जो कैश थोड़ा सा पड़ा हुआ है उसको मैं पेटीएम में ले लूँ, गूगल पे में ले लूँ और या फिर दोस्तों यहाँ पर मैं डायरेक्टली बैंक में भेज सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स के अंदर तो कोई भी यहाँ पे बटन नहीं दिया गया है जिसके मदद से आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन दोस्तों उसके आप थर्ड पार्टी ऐप की मदद से आप ज़रूर से विड्रॉ कर सकते हो जो कि आपको प्ले स्टोर पर ही अवेलेबल देखने को मिल जाता है। अब वहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर पे जाओगे और सर्च करोगे कि गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स मनी विड्रॉ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ऐप्स मिल जाएंगी जिसकी मदद से आप विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उनकी जब मैंने रिव्यूज़ पढ़ा, मैंने एक ऐप को खोला, उसके बाद मैंने उस ऐप को चेक किया, लेकिन उसके अंदर दिया तो गया है ऑप्शन कि आप यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड को एंटर करो, उसका अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करो या फिर आप पेटीएम का नंबर एंटर करो ताकि आप उसमें भेज सको। लेकिन दोस्तों जब मैंने उस ऐप का रिव्यू पढ़ा तो वहाँ पर नीचे लिखा हुआ था कि वहाँ पे उसको दिखा रहा था कि 5 दिन के अंदर उसका जो मनी है वो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड से बैंक अकाउंट में या फिर पेटीएम में या फिर गूगल पे में आ जाएगा। लेकिन उसके साथ हुआ ये कि उसका जो मनी है वो गूगल पे से मतलब गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड से तो कट गया लेकिन उसके बैंक अकाउंट में अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि गूगल प्ले स्टोर पर ऐप्स तो काफ़ी सारे मिल जाती हैं, कभी कभी काम भी कर देता है, लेकिन जब दूसरी बार आप विड्रॉ या फिर तीसरी बार विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आपको विड्रॉ करना है या फिर नहीं करना है। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो यहाँ पे गाइस गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स जो ऐप है उसमें आपको उतना ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलता कि आप विड्रॉ करके आप कुछ खरीद सको, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 100 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको गेम के अंदर ही ख़त्म कर देना है उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि गेम के अंदर के लिए बना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी रहेगा। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या कर सकते हो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड्स की मदद से। सो आज के इसमें बस इतने, मैं मिलता हूँ आप जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।